आज बात करेंगे सेविंग्स के बारे में। सेविंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों सेविंग करना चाहिए। सेविंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, खुद को हर प्रॉब्लम से बचाने के लिए सेविंग सबसे कमाल की चीज़ है जो आप कर सकते हैं। जब इंसान लोन लेता है ना, तो उसको चुकाने के लिए लोग दिन रात कैसे ना कैसे करके उस लोन को चुकाने के लिए देखते। अगर आपके पास इफिशियंट मनी नहीं है, अगर आपने लोन लिया है, तो उस वक्त सेविंग ही काम आती है। इमरजेंसी मनी है वो सेविंग्स। फ्रेशर्स को सेविंग करना क्यों शुरू कर देना चाहिए? फ्रेशर्स को सेविंग करने इसलिए इम्पोर्टेंट है, जो उनकी सैलरी कम होती है। उनकी सैलरी कम होने के कारण उसको मैनेज करना थोड़ा इजी होता है, और लाइफ में जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको सेविंग करना आना चाहिए। उस वक्त तक कुछ भी लैबिश, जैसे कार ले लेना या कुछ अपनी आइडेंटिटी बनाना लोगों के सामने, दोस्तों में अपना झाड़ना कि यार मैं भी हूँ ऐसा कुछ, ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं, ये भी बात है। वो लाइफ में आप शो ऑफ करते हो, शो ऑफ इम्पोर्टेंट है, पर एक सर्टन लिमिट में। जब आपके पास कम सैलरी होती है, तो आप उसको अच्छे से मैनेज करना सीख सकते हो, क्योंकि और फ्रेशर्स के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं। सैलरी कम है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं है। कुछ लोगों को जिन्होंने एजुकेशनल लोन लिया रहता है, उनको छोड़कर पेरेंट्स के ऊपर, उन्होंने एजुकेशन अपना, उनके पेरेंट्स ने उनका एजुकेशन उठाया रहता है। और ये भी बात आप सीखिए, हम लोगों ने स्किल सीखा है कुछ करने का, पर मनी मैनेजमेंट भी सीखना इम्पोर्टेंट है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मैं किसी तरीके से कैसे मनी को मैनेज करते हैं वो बताऊंगा। सेविंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तन्मय भट्ट, जब उनके एक वीडियो में तन्मय भट्ट खुद बोलते थे कि मैं सेविंग्स नहीं करता था, तो उनकी मम्मी ने उनका जॉइंट अकाउंट खुलवाया। ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने के कारण जितने भी पैसे थे, उनको जितने मिलते थे, वो सब अपने इसमें से उसको एक सेविंग अकाउंट में डालती गई थोड़ा थोड़ा, उनको थोड़ा अमाउंट ही मिली। और जैसे उनको उस चीज़ को छोड़ना पड़ा, अपने जो जॉब करते थे उसको छोड़ना पड़ा, तो उनके पास सेविंग्स थे करने के। ये एक इमरजेंसी मनी, अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, लोग के पास अगर पैसे हैं तो अभी वो सेविंग्स ही यूज़ कर रहे हैं। सेविंग्स आपको जब आप हॉस्पिटलाइज होंगे, इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, पेरेंट्स को ज़रूरत पड़ गया, या आपको इमरजेंसी में आप हॉस्पिटलाइज हो गए, जब आपके पास आप जॉब कर रहे हैं और आपको लीव लेना रहा, या आपको एजुकेशन, फर्दर एजुकेशन के लिए आपको करना, इस टाइम पे सेविंग सबसे ज़्यादा काम में आती है। सेविंग्स करेंगे तो आप ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। अब ऐसा नहीं है कि अगर एक कंपनी में आप अगर काम कर रहे हैं, आप प्रोजल के लिए कर रहे हैं, लोग इंजीनियरिंग करते हैं और फिर MBA के लिए जाते हैं, पर कुछ लोग रहते हैं जो इंजीनियरिंग के साथ जॉब ले लेते हैं, फिर MBA के लिए उनको खटकता है कि MBA करें कैसे। MBA के लिए फिर उनको अपना जॉब छोड़ना होगा, जॉब छोड़ेंगे तो उनको सैलरी नहीं मिलेगी, और वो लोग लाइफ में उनकी भी फैमिली आ जाती है, या अपने फिर वो अपने खर्चे नहीं निकाल सकते। उन्होंने कार का लोन लिया रहता है, बाइक का लोन लिया रहता है, उनको फुल अप कैसे करेंगे। तो इस टाइम पे वही सेविंग्स काम में आएगी। जो फ्रेशर्स होते हैं, है ना, हम छोटे छोटे जैसे बाहर जाके कुछ ऐसा फैंसी रेस्टोरेंट में जाके खा लेना, कपड़े कंटिन्यूसली बदलना, गाड़ी लेना, स्पोर्ट्स बाइक ये सब लेना, ये सब लेने से आप ये सब पैसे इसमें घटते हैं, बढ़ते नहीं हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए, आपके लाइफ में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और किसी ने कहा है मुझसे पर्सनली कि अगर हम लोग सेविंग करेंगे तो हमारी लाइफ बोरिंग सी नहीं हो जाएगी।
ऐसे, क्योंकि क्या है कि सेविंग्स जो होती हैं उसमें आप अपने आप को रोक के रखते हो, कुछ सामान नहीं ले सकते, जो आपकी अपनी जो चीज़ों को खरीदना रहा वो खरीद नहीं सकते, तो उसके कारण हमारी लाइफ बोरिंग सी नहीं हो जाएगी। हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अपने फ्यूचर को बचाने के लिए आज मेरे पास मैं कर सकता हूँ, मैं अपनी खुशियाँ ले सकता हूँ अभी, आज मैं अपनी चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ, तो अब मैं अभी पैसे क्यों यूज़ नहीं कर सकता उसके, उस पैसों को मैं फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखूँ, तो मेरी लाइफ तो एक गधे जैसी हो जाएगी। पर भाई ये बात समझो, गधे के ऊपर हम लोग लोड डालते हैं, वो उसको सोने का लालच नहीं है। अगर आप अपने हिसाब से प्लानिंग करें और अपने लिए वो पैसे, अगर वो गधा है ना, गधे के ऊपर आप अगर वो अपने मर्जी से अपना सेविंग्स करता है, तो सोना चांदी या कोई कपड़े वपड़े जो इधर उधर ले जाने के लिए जो यूज होता है वो नहीं करेगा, वो अपने खाना, ये गाजर जो उसको खाना रहता है वो सेव करेगा, तो उस पैसे पे पूरा का पूरा आप ही का हक रहेगा। तो इसमें आपका लाइफ बोरिंग नहीं, ये लाइफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग समझते नहीं है। उनको सैलरी मिलने लगेगा ना तो दिमाग में आएगा कि खर्चा कैसे करें हम, ये ऐसा नहीं चलता भाई। एक फ्रेज है, इफ यू बाय समथिंग विच यू डोंट नीड वंस, देर विल बी द टाइम वी हैव टू सेल द थिंग विच यू नीड। इसी बात पे थैंक यू। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू टेक गवर्नेंस, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आप पर्सनली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप अगर इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं उसमें पर्सनली आपको वहीं पे आंसर दे दूंगा, या आपको मेंशन करूंगा अपने वीडियो में। थैंक यू।